हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से है, जेब्लॉन्स्की डायग्राम, जो कि फर्स्ट है। अभी इसका दूसरा पार्ट भी है लेकिन आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका। ये होता क्या है, जेब्लॉन्स्की डायग्राम किसी भी मॉलिक्यूल के द्वारा रेडिएशन को अवशोषित करने पर होने वाले परिवर्तन और संक्रमणों को व्यक्त करता है। जेब्लॉन्स्की डायग्राम क्या होता है, वो जो एक ये डायग्राम होता है, इसमें ना परिवर्तन जो भी हो जाता है, इसमें जैसे डायग्राम में कोई परिवर्तन होता है और उसको चेंजेस वगैरह जो भी होते हैं उसको व्यक्त करता है। तो वो डायग्राम के थ्रू हमें आपको दिखाएंगे आपको। ओके, अब है जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी का अब्सॉर्प्शन करके जब हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो उसमें होने वाले चेंजेस एंड ट्रांजिशन का स्पष्टीकरण जेब्लॉन्स्की डायग्राम के थ्रू होता है। ये हमारे हिंदी में है जिससे आपको एकदम समझ में आ जाए। इसके हम आपको इंग्लिश नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, जिसे जो आपको अच्छे लगे आप उसे देख लेना। जैसे पहला है हमारा पेयर्ड स्पिन, इसके हम इसके थ्रू समझा रहे हैं। पेयर्ड स्पिन क्यों कहा है इसमें, क्योंकि ये पेयर्ड है आपस में। जब S1 हम इसमें स्पिन होता है, स्पिन मतलब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, एक स्पिन में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो ये पेयर्ड हैं। अब S1 हमने जैसे +1/2, S2 -1/2, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे है इसलिए प्लस माइनस लिया। इसको हमने बताया था फार्मूला S=S1+S2, जब हमने इसका निकाला तो 0 है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आई, 2S+1, 1, तो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट हो गया ये, तो ये ग्राउंड स्टेट पे रहा। इसी तरह हमने इसमें अब हमने क्या करा, दूसरा लिया हमने पैरेलल स्पिन, पहले था पेयर्ड फिर हमने लिया पैरेलल स्पिन। पैरेलल लिया हमने, इसमें क्या करा हमने, जब फोटोन को दी, इसके छोटे छोटे कण दिए, इसमें फोटोन प्रभावित करा इसमें, तो उसमें क्या हुआ, जब हमने फोटोन प्रभावित करा थोड़ी सी, तो इसमें क्या हुआ, अलग अलग होगा इसमें, तो इसका आ जाएगा 2s+1=2, 2×1+1=3। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट बन गई है पैरेलल वाली, तो आ गया इसमें फोटोन की ऊर्जा जब दी इसमें। अब इसमें क्या करा, अब थर्ड है हमारी एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल क्यों कहा है, इसमें हमने ग्राउंड स्टेट में तो दो इलेक्ट्रॉन रहे, इसमें हमें थोड़ी ऊर्जा और ज़्यादा दे दी तो वो उल्टे हो गए, मतलब एक ऊपर एक नीचे, तो इसे हमने कह दिया पैरेलल। आसान तरीके से एंटी का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे, इसलिए हमारे इसमें क्या आया, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। अब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, S=S1, S2, S3। S1 क्या होता है, फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S2 होता है सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ये T1 फर्स्ट, ये ट्रिपलेट आएगा, सॉरी ट्रिपलेट, ओके गलती से लिखा गया, ये फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। अब हमने इसमें देखा, आपको अभी थ्रू उसके थ्रू समझा देते हैं। जैसे कि अभी ये नोट्स में लिखने नहीं है, ये ऐसे समझाने के लिए है। जैसे कोई ये फोटोन है रेडिएशन, ये मॉलिक्यूल पे जैसे जाएगी तो क्या है, इस पर क्या असर, जब ये ग्रहण कर लेगा फोटोन इस मॉलिक्यूल पर, तो इस पर क्या आएगा, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इसमें ये सब कुछ है, बस इतना ध्यान रखना है, जब कोई हम फोटोन मॉलिक्यूल पर डालेंगे, छोटे छोटे कण जैसे हम किसी मॉलिक्यूल पर डालेंगे तो क्या होगा, मतलब रेडिएशन डालेंगे कोई मॉलिक्यूल पे, तो वो क्या होगा, जैसे वो ग्राउंड स्टेट से होगा, जब उसमें कुछ जाएगा तो वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। बस सिंपल ये है, अगर अच्छे आसानी से समझना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, 2s+1, S=S1+S2, इससे पूरा ये सॉल्व हुआ हुआ है। इसमें दो, एक स्पिन में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पैरेलल में एक एंटी पैरेलल टाइप। ओके, ऐसे इसकी वैल्यू हो जाएगी X-1/2, एक हो जाएगी X^2, ये हाफ हाफ होते हैं। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब ये है हमारा डायग्राम ग्राउंड स्टेट से। अब ये इसमें हमें ये भी देखना है कि वो S1 T1 से बड़ा क्यों होता है। क्या हमने बताया था अभी कि जब ये पैरेलल में, इसमें डायग्राम से समझ लीजिए, जब ये पैरेलल में होते हैं या एंटी पैरेलल में होते हैं तो दो होते हैं, ये आगे पीछे होते हैं, कभी साथ नहीं होते। जब हम इसमें थोड़ी सी ऊष्मा देंगे इसको, तो क्या है, ये ऊष्मा थोड़ी S1 ज़्यादा ले रहा है, T2 से थोड़ा कम रहता है, ऊष्मा की वजह से ये आपस में मिलते नहीं हैं,
थोड़े ऊपर नीचे रहते हैं, इसलिए ये साथ में नहीं हो सकते। S1 ऊपर होता है, T1 नीचे थोड़ा, इसलिए ये ग्राउंड स्टेट हो गया। ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट ये बनाना बहुत ज़रूरी है जिससे मार्क्स अच्छे से मिले। ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, अब देखो इसमें S ग्राउंड स्टेट ही आ गया, तो T1 इससे ऊपर S1 है तो S1 के नीचे T1, S2 जब उसमें तो T2 नीचे। ये बस डायग्राम होके ये हमें पता चल गया एनर्जी, इसलिए एनर्जी में S1 बड़ी होगी T1 से, क्योंकि इसमें ऊष्मा जो S1 से कम होती है T1 की, जैसे भी डायग्राम में बताया गया है। इसका मतलब सब यही है, जैसे एंटीपेलर में जब उसमें ऊष्मा दी तो ये एंटीपेलर में हो गए, एक S1 ऊपर नीचे, ये साथ नहीं रहते हैं कभी आगे पीछे, पैलर में या एंटीपेलर में ही रहते हैं, इसलिए S1 और T1 एक साथ नहीं हो सकते, अलग अलग होते हैं। ओके, अब हमारा ये टॉपिक इसलिए थोड़ा फिनिश हो गया है थोड़ा। अब इसकी डायग्राम सेकंड आएगा जेब्रोंसी का, वो हम आपको अभी दूसरी वीडियो में आपको दे देंगे। आप अच्छे से इसको तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप अच्छे से नोट्स बनाइए और हमारे चैनल को देखते रहिए। जब तक वीडियो में देखते रहिए, समझते रहिए, हम आपको इसमें इंग्लिश के नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। अभी ये रहे इंग्लिश के नोट्स, जेब्रोंसी डायग्राम, जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं इंग्लिश में ले सकता है। ये सब कुछ बनाना है, ओके, इंग्लिश में समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो हिंदी में आप समझ गए, उसे पढ़ लिए ना सब समझ में आ जाएगा। यहाँ तक है, ओके। ये कल हमारा दूसरा पार्ट शुरू होगा जब आपको बताया जाएगा, बस अभी यहीं तक है ये।